तो बच्चे क्या क्या बात कर रहे थे हम लोग लास्ट टाइम? वेक्टर्स में आप लोगों ने कुछ किया घर पे जाके? कुछ डाउट्स आए? कुछ पूछना है आपको? बोलो, कुछ डाउट्स हैं तो आप पूछिए, नहीं तो मैं आगे बढ़ता हूँ। बोलो। नहीं है डाउट? आगे बढ़ूं फिर? चलो, तो हम लोग आज बात करने वाले थे वेक्टर एडिशन के बारे में, ठीक है? वेक्टर एडिशन से पहले आपको ये जानना चाहिए कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे फाइंड करते हैं। हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है? हाउ टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अगर कोई भी दो वेक्टर हो, जैसे कि एक वेक्टर ये है वेक्टर ए, और एक वेक्टर कोई इधर है वेक्टर बी। हाँ, अब हमें इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए, ठीक है? तो क्या करने का, तो कभी भी दो वेक्टर के बीच का जो एंगल होता है उसको जानने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको टेल टू टेल मिलाना है। क्या करना है बच्चे? टेल टू टेल मिलाना है। कैसे मिलाएंगे टेल टू टेल? सर, इसका टेल तो यहाँ पे है, इसका टेल यहाँ पे है, कैसे मिलेगा? तो एक वेक्टर के पास स्पेशल बात होती है कि उसको उसके मैग्नीट्यूड या फिर उसके डायरेक्शन को चेंज किए बिना आप क्या कर सकते हो, उसको इधर उधर फ्लोट कर सकते हो, है ना? क्या कहने का मतलब है, जैसे कि ये है मान लो, ठीक है? अभी देखो तो इसका डायरेक्शन कुछ उस कॉर्नर की तरफ है ना, है ना? और इसको मैं मान लेता हूँ क्या, इसकी मैग्नीट्यूड है, लेंथ ही तो मैग्नीट्यूड होता है ना, और डायरेक्शन किधर है, उस तरफ है, ठीक है? तो अगर मैं इसको ऐसा किया तो भी डायरेक्शन उसी तरफ है ना, तो इसकी लंबाई बदली, इधर किया, इधर किया, इधर किया, आगे किया, पीछे किया, मतलब उसको पैरेलली आप कहीं भी फ्लोट कर सकते हो स्पेस में, ठीक है? ये इसकी स्पेशल बात होती है। बस आपको मैग्नीट्यूड नहीं चेंज करना है, डायरेक्शन नहीं चेंज करना है। आगे बात समझ में? तो जैसा ये है वेक्टर बी, तो अपन क्या कर सकते हैं बेटा, या तो इसको आगे सरका सकते हैं या इसको पीछे ला सकते हैं, ठीक है? तो अगर मैं इसको आगे सरकाऊं, है ना, इसको आगे लाया और फिर ऐसे शिफ्ट कर दिया, तो ये ऐसा हो जाएगा क्या कुछ वेक्टर ए? बात समझ में आ रही? डायरेक्शन अभी भी हॉरिजॉन्टल था, अभी भी हॉरिजॉन्टल है ना बेटे? अब देखो टेल टू टेल मिल गया। जब टेल टू टेल मिल जाता है बेटा, तो उनके बीच का जो स्मॉलेस्ट एंगल होता है, देखो यहाँ पर दो एंगल है, एक बड़ी वाली और एक छोटी वाली, आपको कौन सी लेनी है? छोटी वाली, ठीक है? वही उन दोनों के बीच का क्या कहलाता है? एंगल कहलाता है, ठीक है? सो दिस एंगल विल बी कॉल्ड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स। अंडरस्टूड ना? तो अगेन मैं मान लो बोलता हूं कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, और इनके बीच का सॉरी इनका एंगल है हॉरिजॉन्टल के साथ 60 डिग्री। तो ए और बी के बीच का एंगल कितना है, कैसे पता चला, है ना? ए को क्या करेंगे, इधर शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है? तो ए को जब हमने ऐसा शिफ्ट किया, ऐसा कर सकते हैं, तो देखो टेल टू टेल मिल गया और ये 60 डिग्री ही उनके बीच का एंगल है। समझ गए क्या? अब बेटे मान लो मैंने बोला कि एक वेक्टर इधर है वेक्टर ए, इधर एंगल है इसका 60 डिग्री, एक वेक्टर है ऐसा वेक्टर बी, इसका एंगल है 60 डिग्री, बताओ इनके बीच का एंगल क्या है, ए और बी के बीच का एंगल क्या है, क्या करोगे बेटा, कितना है एंगल बताओ, जल्दी बोलो। 60 डिग्री कैसे आया बच्चे? वेरी गुड, शाबाश, है ना? क्या नाम है बेटा आपका? सैगनी। सैगनी, सही बोला, वेरी गुड। समझ आया क्या बेटा आपको, है ना? या फिर इसको इसमें ऐसा करने में अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे साधारण सा उपाय, आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बना लो बेटा। ये देखो तो क्या बना रहा है, बी वेक्टर क्या बना रहा है, इधर के साथ 60 डिग्री बना रहा है ना वेक्टर बी, और ए क्या कर रहा है, देखो
नेगेटिव एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री बना रहा है ना, इधर से 60 डिग्री है ना बेटे। टोटल कितना होता है ये 180, इधर क्या हो गया 120, तो ये बचा कितना बेटा 60 डिग्री। समझ गए, अच्छे से समझा। तो ये दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री आया है। अभी देखो, मान लो मैंने बोला ये है इधर 45 डिग्री पर और एक वेक्टर है इधर 60 डिग्री पर। चलो बताओ ए और बी का बीच का एंगल क्या करोगे, जल्दी बोलो, फटाफट बोलो, कितना आया? 75 आया, पक्का है ना। क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट्स पर ले जाएंगे, ये इधर गया 60 डिग्री और ये इधर आया 45 डिग्री। हमको कौन सा चाहिए, इसके बीच का है ना, ए और बी। तो बेटे 60 और 45 105 हो गए, टोटल कितना होता है 180, तो इनके बीच कितना बचा 75 डिग्री। अच्छे से समझा, ओके। अब देखो बेटा, अगर मैं बोलता हूँ कि ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है और इसके बीच का एंगल 60 डिग्री, बताओ ए और बी का बीच का एंगल 120 डिग्री, शाबाश, वेरी गुड है ना, क्लिक किया ना। क्या करना, यहाँ पर ये एंगल नहीं लेंगे क्योंकि ये हेड और टेल है, हमें यहाँ से नहीं मिलेगा एंगल, कहाँ से मिलेगा, जब टेल टू टेल मिलेगा। तो इसको क्या करेंगे बेटे, नीचे सरका लेंगे है ना। तो जब हम इसको नीचे सरका लेंगे वेक्टर बी, तो आपको पता है कौन सा एंगल लेना है, ये वाला। टोटल कितना 180, इधर 60 था, तो ये क्या हुआ 120 इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी है ना। कई बच्चे गलती करेंगे 60 डिग्री लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है, समझ गए ना, बोलो। तो दो वेक्टर के बीच के एंगल निकालना हम सीखे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलो अब हम लोग सीखेंगे वेक्टर का एडिशन करना, वेक्टर एडिशन। वेक्टर के एडिशन के लिए हम तीन रूल्स पढ़ेंगे। एक कहते हैं बेटा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, दूसरा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एंड फिर तीसरा पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये तीन अपने को पढ़ने हैं, ठीक है बच्चे। इन तीनों में ट्रायंगल ही सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ट्रायंगल समझा तो ये दोनों समझ आएगा, ठीक है। ये समझोगे तो ये दोनों ऑटोमेटिक समझ में आएगा, क्योंकि इसी पर ये भी बेस्ड है और इसी पर ये भी बेस्ड है, ठीक है। तो ट्रायंगल लॉ को समझना इंपॉर्टेंट है, आगे इतनी बात समझ में। तो चलो हम शुरुआत करते हैं ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, ठीक है। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो क्या कहता है बेटे, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, हाँ क्या कहता है ये सुनो, कि अगर मान लो मुझे दो वेक्टर्स को ऐड करना है, ये है एक वेक्टर और ये है दूसरा वेक्टर, वेक्टर बी, एंगल है सपोज ये थीटा एंगल है, ओके। तो बताओ इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना हो गया बेटा, क्या करना पड़ेगा, है ना, इसको इधर सरकाऊंगा तो ये हो जाएगा हमारा वेक्टर ए और ये हो जाएगा हमारा वेक्टर, सॉरी ये इधर करूंगा तो मिल जाएगा टेल टू टेल, है ना, ये हो जाएगा हमारा वेक्टर बी, एक बीच का एंगल क्या हो गया थीटा। इन दोनों वेक्टर को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो जिन दो वेक्टरों को आपको ऐड करने देगा वो क्या, उसकी क्या क्या चीजें दी रहेगी बेटा, दोनों का मैग्नीट्यूड दिया रहेगा और उनके बीच का एंगल दिया रहेगा, समझ गए। अब हमें इन दोनों वेक्टर्स को ऐड करना है। तो ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है, कि जिनको ऐड करना है, किसको किसको ऐड करना है, ए और बी को, है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को ऐड करना है। तो आप क्या करो, इनको है ना ऐसे अरेंज करो कि दोनों को मिला करके एक ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव
साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर दो। ऐसा कैसे हो सकता है सर? तो ऐसा हो सकता है, हम वापस से इसको क्या करेंगे, यहाँ पे सरकाएंगे। कर सकते हैं ना ऐसा, यहाँ पे सरका दें इसको, बोलो कर सकते हैं ना, कर सकते हैं एक वेक्टर के साथ। तो ये हो गया हमारा वेक्टर ए, और इधर हो गया हमारा क्या, वेक्टर बी। ये एंगल कितना था, थीटा था। आ रहा है ना समझ में? तो बेटे ये दोनों हमने क्या किया, दो साइड बनाए। तीसरा साइड ट्रायंगल का कौन सा हो जाएगा, ये वाला है ना, बन गया ट्रायंगल। तो ये और ये मुझे क्या करना था, ऐड करना था, है ना, ये और ये ऐड करना था। तो इसको हमने क्या किया, ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव, समझते हो, कंसेक्यूटिव एक के बाद एक, ठीक है, दो कंसेक्यूटिव साइड से शो कर दिया। और ऑर्डर क्या रखा, सेम ऑर्डर, ठीक है, दोनों देखो सेम ऑर्डर में है। कौन सा ऑर्डर हुआ ये, एंटी क्लॉकवाइज, है ना बेटे। तो जिन दो वेक्टर्स को आपको ऐड करना है उनको किसी ट्रायंगल के दो कंसेक्यूटिव साइड से रिप्रेजेंट कर देना है, ठीक है। तो थर्ड साइड जो होगा उस वेक्टर का, है ना बेटे, सॉरी उस ट्रायंगल का, उसको ले लेना है अपोजिट डायरेक्शन में, है ना। तो ये इधर से था, तो ये इधर से, यानी ऐसा। ये जो है ना वो ऑटोमेटिकली आपको क्या देगा, इन दोनों का सम देगा। कौन सा सम, वेक्टर सम, कौन सा सम, वेक्टर सम, समझ गए। तो ये जो है वेक्टर वो हमारा इन दोनों का रिजल्टेंट है। हा? किसी जब दो वेक्टर्स को जोड़ोगे तो आपको पता है बेटा, सिमिलर क्वांटिटीज आर एडेड, सिमिलर क्वांटिटीज आर सब्ट्रैक्टेड, एंड द रिजल्ट विल आल्सो बी सिमिलर। तो जब आप दो वेक्टर्स को ऐड कर रहे हो तो रिजल्ट जो आएगा वो भी वेक्टर होगा। उस वेक्टर के पास दो चीजें होगी, मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड किससे पता चलता है बेटा, उसकी लंबाई से। जब हम ये लंबाई निकाल लेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड पता चल जाएगा। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बेटा, ये वाला एंगल पता कर लेंगे, इसको फाई बोलते हैं। समझ गए क्या, अच्छे से समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मीनिंग समझ में आया। अब मैं बोलूंगा और आप फटाफट बोलना, ठीक है। चलो ये और ये ए और ये बी, बताओ रिजल्ट कौन सा होगा। सबसे पहले ट्रायंगल पूरा करेंगे, ट्रायंगल पूरा कर दिया, बताओ रिजल्टेंट कौन सा होगा। ये दोनों किस ऑर्डर में है बेटा, इस ऑर्डर में। तो इसका डायरेक्शन ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे, ऊपर के नीचे, ऐसा, समझा कि नहीं, है ना, क्योंकि ये इस ऑर्डर में है तो ये इस ऑर्डर में होगा। ये क्या हो गया, इन दोनों का वेक्टर सम हो गया। समझा कि नहीं, कोई दिक्कत? वेक्टर ए वेक्टर बी, बताओ कौन सा होगा रिजल्ट। इसको पहले पूरा कर लेंगे, ट्रायंगल बंद हो गया, है ना, ये दोनों किस ऑर्डर में है, ऐसा। तो बताओ तीसरा क्या होना चाहिए, अपोजिट, है ना। ये हो गया हमारा आर बराबर क्या, ए प्लस बी। अच्छे से समझ आ रहा है आप सबको, ए बी और सी, बताओ क्या रिलेशन है तीनों में, क्या रिलेशन है तीनों, सी बराबर ए प्लस बी, पक्का, बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये दोनों सेम ऑर्डर में है ना, और ये अपोजिट में है, तो इन दोनों का वेक्टर सम वो होगा ना, ठीक। तो ए प्लस सी बराबर बी, है ना, यश ना, नहीं आदित्य, हाँ वेरी गुड, ठीक है, समझ आया आपको, ए प्लस सी बराबर बी, ओके अंडरस्टूड। तो ये कर लेंगे बेटा, तो डायग्राम के फॉर्म में रहा तो हम इस तरीके से रिजल्टेंट को पहचान सकते हैं। एक बार हमने रिजल्टेंट को पहचान लिया तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसकी मैग्नीट्यूड चाहिए, उसकी डायरेक्शन चाहिए। मैग्नीट्यूड के लिए क्या करते हैं, जो मेरा रिजल्टेंट आया उसका लंबाई निकालना है बेसिकली, दैट इज मैग्नीट्यूड। और डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे, ये वाला एंगल निकालेंगे। समझ गए क्या, ओके चलो। तो मैं पूरा डिराइव करूं कि मैं आपको रिजल्ट बताऊं, बताओ है? जल्दी बोलो, हाँ डेरिवेशन आपके नोटबुक में है, है ना। तो बेटे तो
तो हमने देखा कि अगर ये एक वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये हमारा रिजल्टेंट हो जाएगा, है ना, आर बराबर ए प्लस बी, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या था, थीटा। तो हमने इसकी क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है बेटा, उसका मैग्नीट्यूड, है ना, यानी मॉड। मॉड को और कैसे दिखा सकते बेटा, जब हम किसी चीज को विदाउट एरो लिखते हैं तो वो उसका मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करता है। कैसे निकालते हैं बेटा, स्क्वायर रूट, जल्दी बोलो। समझ आ गया आपको, है ना। सो दिस इज द मेथड टू फाइंड क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑफ टू वेक्टर्स। ठीक है, दो वेक्टर का जब हम वेक्टर सम करेंगे, उसका जो रिजल्टेंट मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। कुछ दिक्कत है, समझ गए। दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है बेटा, डायरेक्शन। तो दिस एंगल इज द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर। सो इसके लिए अपन क्या करते थे बताओ, जल्दी बोलो। बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा टेन फाइव। तो फाइव बराबर क्या हुआ, टेन इनवर्स बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहां से आप क्या कर सकते हो, डायरेक्शन बता सकते हो। एक चीज ध्यान रखना कि ये जो एंगल आया है वो ए के साथ आया है, तो जिस चीज को आप ए मानेगे उसके साथ ये एंगल आएगा, समझा ना, उसके साथ ये एंगल आएगा। बोलू बच्चे, एग्जाम्पल दूं, करोगे ना सब लोग, ठीक है। तो मान लो बेटा ये हो गया थ्री, ये हो गया फोर, ठीक है, बताओ क्या होगा इसका रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सब बताओ। एंगल कितना है बेटा दोनों वेक्टर्स के बीच का, ए कितना है, ए कितना है, बी कितना है, थीटा कितना है, सब कुछ है आपके पास, आर निकलेगा। देखो ये एक मशीन है, इस मशीन में ए डालेंगे, बी डालेंगे, थीटा डालेंगे, क्या निकलेगा, आर निकलेगा, है ना, फटाफट डाल दो, क्या आया बताओ। डायग्रामेटिकली कौन हुआ बेटा इसका रिजल्ट, हाँ बोलो, अरे बोलो, ये डायरेक्शन नीचे के ऊपर, ऐसा ऐसे, समझा कि नहीं, तो ये हो गया हमारा, जल्दी बोलो, 45 एंगल, एंगल मैग्नीट्यूड कितना, 5 ना, मैग्नीट्यूड 5, यहां से भी दिख रहा है बेटा ये 3 है, ये 4 है, तो ये 5 ही होगा ना, नहीं समझा, हाँ डायरेक्शन 37 आ रहा है, 37 आ रहा है, 37 आ रहा है, जल्दी बोलो, कितना 37 ही आ रहा है सबका, काई को टॉर्चर करते हो मेरे को तुम लोग, हैं, सुबह सुबह तुम लोग, अरे तुम लोग 53 शैगनी, शैगनी बैगनी, बहुत अच्छा, शाबाश शाबाश, अरे ये तो क्लियर दिख रहा है भाई, 10 थीटा निकालने नहीं आता तुम लोग को, परपेंडिकुलर अपॉन बेस 4 अपॉन 3, है क्लियर दिख रहा है कि नहीं, यहाँ तो फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं है,
टेन पाई इक्वल्स टू 4/3, 4/3 कितना होता है 53 डिग्री, 3/4 37 बोला था, 4/3 53 बोला था, 4/3 वन से बड़ा ना, वन से बड़ा के लिए 57 बोला था, 3/4 वन से छोटा उसके लिए 37, नहीं भूल गए सब कुछ देखो, आगे बात समझ में आपको, ओके चलो एग्जाम्पल मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, इसके बीच के एंगल 120 डिग्री है। अगर ए बराबर बी बराबर ए और बी बराबर हो, ठीक है, अगर ए और बी बराबर हो तो आर फाइंड करो, मैग्नीट्यूड फाइंड करो, डायरेक्शन फाइंड करो रिजल्टेंट का। जल्दी बोलो शानिका, बोलो हाँ जल्दी बोलो, सब कुछ तुम्हारे सामने, आंखों के सामने सब चमक रहा है सर, इतना ज्यादा चमक रहा है कि कुछ दिख ही नहीं रहा है, करना क्या है कि नहीं। क्या आया, कितना है ए, ए, ए बी, ए कितना कितना है ए, रूट टू ए आया मैग्नीट्यूड, कैसे बेटा क्या किया तुमने, कॉस 120 की वैल्यू कितनी होती है, हाँ कॉस 120 की वैल्यू नहीं निकालने आया आपको, गलत बात है ना, ये बहुत गलत बात है, कितना होता है भाई कॉस 120 की वैल्यू, समझा क्या तुमने, बोलो अब क्या होगा, क्या आया आप बताओ, अरे इतना टाइम लगता है क्या कोई, दुखी कर दिए तुम लोग एकदम से, शुभ शुभ गलत बात है, कितनी R इक्वल टू x, और x क्या है, x क्या है, a और b की वैल्यू, ऐसा बोलो ना, सही आया आपका, करेक्ट है, क्या नाम है, वेदांति कुडू, अच्छा तुम हो क्या, ओके तो है कड़ू, कड़ू हमारे तरफ एक कड़वा तेल होता है, सरसों के तेल को हम लोग कड़वा तेल बोलते हैं, हाँ तो क्या बोल रहा था मैं, अरे तो मान लो ना ए और बी क्या है, बराबर है, तो समथिंग मान लिया x, है ना, तो r निकालना है, क्या फॉर्मूला है सर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ए की जगह x, b की जगह x, है ना, 2 इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कॉस 120 क्या होता है -1/2, 2 संपला हो गया, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर संपला हो गया, बचा क्या x, तो r बराबर क्या आया x, तो a भी x, b भी x और r भी x, क्या मतलब समझा, क्या समझा हमें कि दोनों वेक्टर जितने थे रिजल्ट भी उतना ही आया, इसलिए मैं बोला करता था कि यहाँ पर वेक्टर में 2+2 2 भी हो सकता है, 2+2 4 भी हो सकता है,
और 2+2 जीरो भी हो सकता है, कुछ भी संभव है। ठीक है, तो देखो x x को जोड़ा तो क्या आया मुझे, x ही आया, नहीं समझा? तो इसको आप डायरेक्टली याद भी रख सकते हो, बहुत ज्यादा यूज होता है ना, जब दो इक्वल वेक्टर 120 डिग्री पर रहेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, इक्वल ही मिलेगा, सेम ही मिलेगा, नहीं समझा? फॉर ओनली 120, फॉर ओनली 120, समझा क्या? फॉर एंगल, या फिर कभी घुमा के ऐसा पूछेगा कि दो वेक्टर का रिजल्टेंट, दो इक्वल वेक्टर का रिजल्टेंट इक्वल आ रहा है तो बताओ एंगल कितना होगा, तो आप डायरेक्ट मार सकते हो 120 डिग्री, है ना? बहुत अक्सर क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर, समझा ना? अच्छे से समझा? अब डायरेक्शन का बताओ मुझे बेटा, नोट करके लिख लो इस चीज को, हाँ नोट करके लिख लो, इफ टू इक्वल वेक्टर्स या इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री, आर इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर, 120 डिग्री टू ईच अदर, देन द रिजल्ट विल ऑल्सो बी, द रिजल्ट विल ऑल्सो बी इक्वल टू दी, इक्वल टू दी मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, समझा क्या क्या कहना चाह रहा हूँ, कि दोनों बराबर ही है ना, तो किसी के भी बराबर हुआ वो, समझा ना? अच्छे से समझा? ठीक, एंगल बताओ बेटा, मतलब डायरेक्शन बताओ मुझे, डायरेक्शन बताओ, 60 डिग्री आया, शाबाश, वेरी गुड, क्या बात है, दिल खुश हो गया। हाँ आया क्या समझ में बेटे, कैसे निकालेंगे हम लोग एंगल, तो हमारे पास फॉर्मूला है ना, tan phi बराबर क्या चीज बेटा है, b sin theta अपॉन a प्लस b cos theta, तो b को x माना है sin 120 अपॉन a को x माना है, b को भी x माना है cos 120, है ना? तो x sin 120 कितना बेटा, sin 120 कितना, क्या लिख सकते हैं, sin 120 को sin 90 प्लस 30 किसके बराबर हो जाएगा, cos 30 के बराबर हो जाएगा, cos 30 कितना होता है बेटा बोलो, रूट 3/2 अपॉन x प्लस x इंटू -1/2, है ना? क्या बचेगा बेटा, x रूट 3/2 अपॉन x बाई टू, x बाई टू, x बाई टू कैंसिल हो गया, रूट 3 कब होता है बेटा, tan की वैल्यू रूट 3, समझ गए? तो phi बराबर क्या आया, 60 डिग्री। तो एक चीज देखो बड़ा ही इंटरेस्टिंग दिखेगा आपको, 60 डिग्री आया ना, जो कि 120 का क्या है, बाइसेक्टर है ना बेटे, क्या है, बाइसेक्टर है। अच्छे से समझा? तो एक चीज और दिमाग में बिठा लेना, कभी भी दो इक्वल वेक्टर रहेंगे, क्या कभी भी दो इक्वल वेक्टर रहेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट होगा ना, वो हमेशा एंगल को बाइसेक्ट करेगा, नहीं समझा? अगर चार और चार है 90 डिग्री पर है तो रिजल्टेंट कितने पे बनेगा, 45 पे, 120 पे है तो 60 पे, 30 पे है तो 15 पे, ठीक है, याद रख सकते हो इसको। क्या बोला मैंने, ऑलवेज टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, उसका जो रिजल्टेंट होगा वो उसके एंगल को बाइसेक्ट करेगा, समझा? ठीक, इसको भी नोट करके लिख लो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड always bisect the angle between the two vectors, always bisect the angle between the two vectors, समझा ना? उसका जो resultant vector होगा वो हमेशा उनको क्या करेगा, bisect कर देगा angle को। इतनी बात समझ में आ गई बेटे आप लोगों को, अच्छे से समझा? okay, अब
देखो जो हमारे पास फॉर्मूला आया है रिजल्टेंट का, आर बराबर कितना, बोलो बोलो, ये सब जितना दोहराओगे बेटा उतना लंबे समय तक आपको याद रहेगा। बोलने में जितना कंजूसी करोगे, जब आपको याद करना होगा ना, मतलब जिस समय उसको रिकॉल करने की कोशिश करोगे, वो भी उतनी ही कंजूसी के साथ आपके साथ पेश आएगा। ठीक है, ये गिव एंड टेक वाला रिलेशन है कि नहीं? आप इसको जितना दोगे वो उतना इजीली आपके पास आएगा, नहीं तो फिर वो आपसे चार गुना घमंडी है, वो भी इतना दूर चला जाएगा ना, खींचे नहीं आएगा वापस फिर। ठीक है, तो इससे जुड़ के रहना चाहिए, जितना आप इसके कॉन्टैक्ट में रहोगे फॉर्मूलेस के, कॉन्सेप्ट्स के, उतना वो जल्दी आपको रिकॉल होगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसा कि हमारे पास क्या आया बेटा फॉर्मूला, जब भी मौका मिले बोलने का बोलो, बोलने से याद रहेगा। समझ गए? अब मैं अगर बोलूं बेटा कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, आर की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो इसमें वेरी करने वाला टर्म कौन सा है, थीटा ही है ना। दो वेक्टर का मैक्सिमम कितना होगा, है ना, तो क्या चेंज कर सकते हैं, थीटा ही चेंज कर सकते हैं बस, ए और बी तो सेम मतलब फिक्स हो गया। आ रही बात समझ में? तो बताओ कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी, कल मैंने ग्राफ सिखाया था आपको, बताया था कल या परसों, है ना, कॉस थीटा का क्या आया था बेटा, ऐसा ग्राफ आया था, मैक्सिमम कितना था प्लस वन, मिनिमम कितना था माइनस वन। साइन का भी क्या होता है, मैक्सिमम प्लस वन और मिनिमम माइनस वन होता है। तो ये जो साइन और कॉस है ना, उसकी वैल्यू हमेशा कुछ भी रख लो, दुनिया का कोई भी एंगल रख लो, उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस वन और मिनिमम वैल्यू माइनस वन ही होगा। नहीं समझा, याद रहेगा ना बेटे? ठीक है, तो रिजल्टेंट अगर हमें मैक्सिमम चाहिए, रिजल्टेंट अगर हमें मैक्सिमम चाहिए तो कॉस की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, मैक्सिमम रखनी पड़ेगी, है ना। देयरफॉर आर मैक्स जो होगा वो कितना होगा, बोलो बोलो, कॉस थीटा की जगह वन रख लेंगे, तो कितना आया देखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। फॉर दैट आपको कंडीशन क्या है बेटा, कंडीशन क्या है कि कॉस थीटा क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए। और कॉस थीटा की वैल्यू वन कब होगा भैया, जब थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री होगा। थीटा इक्वल्स टू जीरो डिग्री कब होगा, जब ए और बी सेम डायरेक्शन में होंगे, यानी ए और बी पैरेलल होंगे। तो बेटे जब दो वेक्टर पैरेलल होते हैं, अलोंग सेम डायरेक्शन होते हैं, तो उनके बीच का एंगल जीरो होता है, कॉस की वैल्यू मैक्सिमम होती है, रिजल्टेंट का वैल्यू मैक्सिमम आता है। याद रहेगा ये पूरी कहानी, है ना, ये जो गाना है ना, ये सब याद रखना है। समझा कि नहीं, क्लियर है मेरी बात? तो बेटे आर मैक्स इतना हो जाएगा। और कुछ इसको कर सकते हैं क्या, ये क्या दिख रहा है हमें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो क्या आया बेटे, ए प्लस बी, क्या समझा? तो मैक्सिमम वैल्यू दो वेक्टर का क्या हो सकता है, जब हम सीधा सीधा उनको ऐड कर देंगे, ठीक है, तो वो उसका मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगर एक वेक्टर पांच मैग्नीट्यूड का है, एक वेक्टर सात मैग्नीट्यूड है, तो मैक्सिमम कितना होगा बेटा, सीधा ऐड कर देंगे 12, सात प्लस पांच 12। कभी होगा जब दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे, जब दोनों के बीच का एंगल जीरो डिग्री होगा, जब कॉस की वैल्यू वन होगी। समझ गए क्या? अब आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालना चाहते हैं तो कंडीशन क्या हो जाएगा बेटा, कॉस थीटा की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, मिनिमम, जो कि कितना होता है बेटा, माइनस वन। कभी होता है बेटा, जब थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, कॉस 90 तो जीरो होता है बेटा, समझा क्या, कितना, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, क्या मतलब हुआ 180 का, एक इधर तो दूसरा इधर, मतलब एक दूसरे के अपोजिट, समझा ना। तो जब दो वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एंटी पैरेलल होते हैं, तो एंगल उनके बीच का 180 हो जाता है, कॉस की वैल्यू मिनिमम हो जाती है, कितनी हो जाती है, माइनस वन हो जाती है, ये माइनस वन हो जाएगा, यानी ये माइनस टू ए बी हो जाएगा। तो देयरफॉर आर मिनिमम जो आपके पास आया वो आया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आया, ए माइनस बी का
होल स्क्वायर, रूट की वजह से स्क्वायर गया, क्या बचा बेटा a माइनस बी। आया समझ में आपको? तो मैक्सिमम कितना a प्लस बी, मिनिमम कितना a माइनस बी, समझा ना? तो इसका मतलब जो वेक्टर एडिशन का रेंज है वो कहां से कहां होगा, a माइनस बी से लेकर के a प्लस बी तक, समझा ना? अरे बोलो बच्चे। तो अगर मेरे पास 5 और 7 है तो मैक्सिमम कितना हो सकता है 12, मिनिमम कितना हो सकता है 2। ठीक है, आपसे कई बार क्या बोलेगा कि ऐसा दे देगा 2 वेक्टर और आपसे बोलेगा कि इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है, इनमें से क्या पॉसिबल नहीं है, तो जो इस रेंज से बाहर आ रहा होगा वो पॉसिबल नहीं है, है ना? बोलो, मैक्सिमम निकाल लोगे, मिनिमम निकाल लोगे, उसके बीच वाला पॉसिबल है और उसके बाहर वाला पॉसिबल नहीं है, इजी ना? समझ गए? तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे वो हम कर लेंगे। ओके, आगे बढ़ जाऊं? चलो, अब तो ये हो गया बात बेटा किसका, एडिशन का, है ना? ये हमने एडिशन करने का तरीका देख लिया। अब अगर हमें सब्ट्रैक्ट करना हो तो क्या करेंगे, है ना बेटे? अच्छा चलो, इसके पहले मैं क्या बोल रहा था कि वेक्टर एडिशन के कितने रूल हैं, 3 रूल हैं। तो एक तो हो गया बेटा ट्रायंगल लॉ, दूसरा है पैरेललोग्राम लॉ। ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ किसी भी रूप से ये ट्रायंगल लॉ से अलग नहीं है, बस एक चीज डिफरेंट है इसमें, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर आपको ट्रायंगल समझ में आया तो ये मजे से समझ में आएगा। ओके, तो बेटे देखो इसमें क्या डिफरेंट क्या है इसमें, अगर ये मान लो वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो और इसके बीच का ये वाला क्या हो गया, एंगल हो गया। तो अभी जो हमने ट्रायंगल पढ़ा तो हमें क्या करना होता था, इसको ले जाके यहाँ शिफ्ट करना होता था, ट्रायंगल बनाना होता था, ऐसा ऐसा करना होता था। यहाँ पर शिफ्ट करने की हमें जरूरत नहीं है, समझा क्या? क्यों नहीं है, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, पैरेललोग्राम पूरा करेंगे। कर लिया हमने पैरेललोग्राम पूरा, तो बेटा इसको उठा के यहाँ ले जाते थे ना, और फिर ये हमारा रिजल्ट होता था, है ना? इसी चीज को अगर आप इस रिस्पेक्ट में देखो तो ये कैसा दिख रहा है, डायगोनल दिख रहा है, ये ए, ये बी और ये आपका रिजल्ट होता था। इस रिस्पेक्ट में यही चीज क्या दिख रहा है, डायगोनल दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, यही आपका रिजल्टेंट हुआ करता था ट्रायंगल में, यहां पर भी ये रिजल्टेंट है। तो कैसे एक्सप्रेस करेंगे बेटा इसको, जिनको जिनको ऐड करना है, किनको किनको ऐड करना है, ए और बी को। ठीक है, तो ए और बी को एडजेसेंट साइड ऑफ द पैरेललोग्राम रिप्रेजेंट कर देना है। द टू वेक्टर्स टू बी एडेड शुड बी रिप्रेजेंटेड बाय द टू एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, कर दिया हमने, एंड द डायगोनल पासिंग बिटवीन देम, दो डायगोनल होते हैं ना, उनमें से कौन सा डायगोनल जो उनके बीच से पास हो रहा है, देखो है ना, दूसरा डायगोनल कौन सा होगा, ऐसा वाला, तो हमें ये वाला नहीं लेना है, उसके बीच से जो पास हो रहा है वो वाला डायगोनल क्या देगा आपको, रिजल्ट देगा। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, समझ गए क्या? द टू वेक्टर्स टू बी एडेड, आ रही बात समझ में, द टू वेक्टर्स टू बी एडेड शुड बी रिप्रेजेंटेड by the two adjacent sides of a parallelogram, then the diagonal passing between them, then the diagonal passing between them gives resultant. Understood? Clear है मेरी बात? चलो, तो ये सिर्फ डायग्राम वाइज इसमें डिफरेंस आता है, अदरवाइज आप इसको सोचोगे तो ये क्या है, ये भी ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही है, सेम ऑर्डर अपोजिट ऑर्डर। तो इस वजह से, और इसका डायरेक्शन क्या हो गया, बट ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गया, है ना? तो फॉर्मूले में कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, यहां पर भी फॉर्मूला वही रहेगा, आर बराबर कितना, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, है ना? डायरेक्शन निकालने का भी तरीका सेम है, क्या, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस
बी कॉस थीटा, तो डायग्राम में फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं है। बोलो कुछ समझ में आया, अच्छे से समझ में आया? ओके, बारात में आई है, है? एकदम मजे से, ऐसा लग रहा है क्या बोलते हैं अमिताभ बच्चन के सामने हॉट सीट पे बैठी है ना। पूछो सर, आपको क्या पूछना है पूछो, 1 करोड़ वाला सवाल पूछना है पूछ लो, चलो। आई के बाद समझ में? ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, कोई भी डिफरेंस नहीं है, तो इससे क्या फायदा हुआ बेटा, जैसे कि मैंने बोला वेक्टर ए है वेक्टर बी है, बताओ रिजल्ट क्या हुआ, तो फटाक से ये पूरा किया, क्या हुआ रिजल्टेंट, सर ये हुआ रिजल्टेंट, समझ गए। हमने बोला ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, हमने बोला रिजल्टेंट बताओ बेटा क्या, क्या बोलोगे, सर मैं पैरेललोग्राम पूरा करूंगा, कर दिया, फिर मैं इसके बीच का डायगोनल लूंगा, कर दिया, वही हुआ सर रिजल्टेंट, है ना, बात समझ में आई। मैं ही सर हूँ, मैं ही स्टूडेंट हूँ, मैं ही सीख रहा हूँ, है ना, कितना मजा आ रहा है। ओके डन, क्लियर है, तो ये बहुत ही आसान हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। कोई भी हो क्वेश्चन आप इस तरीके से इसको कर सकते हो, फॉर्मूला वही सेम लगाएंगे। ओके क्लियर है मेरी बात, चलो तो ये हो गया पैरेललोग्राम लॉ। तीसरा क्या था बेटा, पॉलीगन लॉ, चलो उसको देखते हैं। तो अभी तक जो हमने दोनों पढ़े ना, क्या क्या, ट्रायंगल और पैरेललोग्राम, इसमें हम क्या करते थे, दो वेक्टर्स को ऐड कर पाते थे, है ना बेटे, लेकिन अगर कहीं दो से अधिक वेक्टर्स आ गए तो, है ना, फिर इससे नहीं हो पाएगा, तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, यानी मल्टीपल वेक्टर्स को ऐड करने के लिए। इतना क्यों गुस्सा हो रही है, है? मल्टीपल वेक्टर्स को जब ही ऐड करना होता है तो अपन क्या करते हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करते हैं, समझ गए। जब भी दो वेक्टर से अधिक वेक्टर्स को ऐड करना होता है, वी यूज पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। तो जैसे कि पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है, तो जैसे कि बच्चे एक वेक्टर हो वेक्टर ए, एक वेक्टर हो वेक्टर बी, एक वेक्टर हो वेक्टर सी, एक वेक्टर हो वेक्टर डी, इन चारों को मुझे क्या करना है, ऐड करना है, ठीक है, क्या इन चारों को मुझे ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो ये कहता है पॉलीगन लॉ कि जितने भी वेक्टर हैं आपके पास, मान लो चार वेक्टर हैं, तो उसमें से एक एक्स्ट्रा 5 साइड ले लो और क्या बना लो, पॉलीगन बना लो, जितना नंबर ऑफ वेक्टर होगा उससे प्लस एक साइड वाला पॉलीगन बना लोगे, 3 रहेगा तो क्वाड्रिलेटरल, 4 रहेगा तो पेंटागॉन, 5 रहेगा तो हेक्सागॉन, ऐसा हम बना लेंगे, समझ गए क्या, क्लियर है। और जिनको जिनको ऐड करना है उन सबको क्या करोगे बेटे, सेम ऑर्डर में पॉलीगन के कंसेक्यूटिव साइड्स के रूप में रिप्रेजेंट कर देंगे, समझ गए। तो देखो ए बी सी डी, है ना, ऐसा हमने रिप्रेजेंट कर दिया, तो 1 2 3 4 हमको कितने बनाने पड़ेंगे, 5, तो पहले 5 पूरा कर लो इसको, ये सब किस ऑर्डर में थे बेटा, इस ऑर्डर में, तो ये अपोजिट ऑर्डर में, यही आपका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया, R बराबर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, आया कुछ समझ में, क्लियर है। तो क्या हो गया इसका स्टेटमेंट, ऑल द वेक्टर्स टू बी एडेड आर रिप्रेजेंटेड बाय द कंसेक्यूटिव साइड्स ऑफ अ पॉलीगन, है ना, देन द लास्ट साइड ऑफ द पॉलीगन टेकन इन अपोजिट ऑर्डर विल गिव द रिजल्टेंट, आया क्या समझ में आपको, ठीक है। अब आप बोलोगे सर इसमें कहां ट्रायंगल लॉ आया, यस आया सर, है ना, देखो ए और बी सेम ऑर्डर में, ये अपोजिट ऑर्डर में, इन दोनों का वेक्टर सम हो गया ए प्लस बी, फिर इनको इनको देखो, ये इस ऑर्डर में ये इस ऑर्डर में, सेम ऑर्डर हुआ ना, तो ये इसका क्या हो गया बेटा, रिजल्टेंट, किसका किसका, इसका और इसका, ये कितना था ए प्लस बी, ये कितना था सी, तो ये कितना हो गया बेटा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ये वाला और ये वाला, ये सेम ऑर्डर में और ये अपोजिट ऑर्डर में, इसका इसका हुआ, तो देखो हुआ ना ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, हुआ ना बेटा, तो ये भी ट्रायंगल लॉ ही है,
किसी भी तरीके से ये अलग नहीं है, समझा? तो कुल मिलाकर के आपको क्या समझ में आया, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके यश, आ रहा है समझ में? यश मशके, आगे बात समझ में? चलो, तो ये रही बात वेक्टर एडिशन की, मिटा डालू। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन। पहला, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। कितनों को पता है कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है, पता है किसी को? नोबडी। कम्यूटेटिव लॉ, नोबडी, किसी को नहीं पता है? ऐसा मत करो यार तुम लोग, है नाइन टेंथ पढ़ के ही आए होगे, डायरेक्ट छलांग लगाए थे, पढ़ के आए थे ना, कम्यूटेटिव लॉ नहीं पढ़े होगे? कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कभी सुना ही नहीं? ये कौन सा चिड़िया है सर, इसको कभी उड़ते नहीं देखा हमने, ऐसे चल रहा होगा ना तुम्हारे दिमाग में, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, ये कौन सी भाषा है ना, अलग ही भाषा है ना ये, आज तक नहीं सुना सर। तो मैथ्स में ये सब वर्ड नहीं सुना तुम लोगों ने, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, अभी तक दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा तुम्हारे, नहीं कभी नहीं सुना? अटक गई गले में आवाज क्या तुम लोगों की, तो बोलो सुना है या नहीं सुना है, जल्दी बोलो सुना है कि नहीं सुना है, अरे हाँ या ना बोलो ना, नहीं सुना है ना, तो तुम्हारे मैथ्स वाले टीचर से पूछूंगा, अगर उन्होंने बोला तो फिर मैं तुम लोगों को पीटूंगा, बोलो शर्त लगाते हो, हैं बोलो शर्त लगाते हो, पढ़ा है, तुम तो यहीं का है ना यादित, तुम यहाँ का नहीं है, अपने स्कूल के कौन है, रोटरी के नहीं पढ़ी है, पढ़ी है कि नहीं, हाँ तो फिर है, पूछूं मैं जाके पंडित सर से, पंडित सर पढ़ाते ना, पूछूं हो ही नहीं सकता कि नहीं पढ़ाए होंगे, समझे, तुम लोगों को कुछ याद नहीं रहता, इडियट। चलो, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है कि मान लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी करूं, या मैं वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए करूं, दोनों चीज में कोई डिफरेंस नहीं है। अब क्लिक किया, अभी भी नहीं, नहीं पढ़ा ऐसा कुछ, मतलब प्लेस को चेंज करने से काई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, चाहे मैं 2+3 करूं, चाहे मैं 3+2 करूं, क्या फर्क पड़ेगा, 5 ही आएगा ना, नहीं समझा, आई बात समझ में? तो ए प्लस बी या बी प्लस ए करो तो ये चीज जो है वेक्टर एडिशन में फॉलो होता है, ठीक है, पहले वेक्टर फिर वेक्टर ए फिर वेक्टर बी ऐड करूं, या फिर पहले वेक्टर बी और फिर वेक्टर ए ऐड करूं, दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, सेम आएगा, समझ गए, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ। ओके आगे बढ़ जाऊं, दूसरा मैक्सिमम मिनिमम वाला तो बता ही दिया मैंने, आर मैक्स कितना होगा, ए प्लस बी, सीधा जब मैं विदाउट एरो लिखता हूं इसका मतलब ओनली मैग्नीट्यूड है ना। तीसरा, आर मिनिमम क्या होता है वो भी मैंने बता दिया आपको, ए माइनस बी होता है, ठीक है, क्या कंडीशन है वो भी बता दिया है मैंने आपको, इसके लिए थीटा क्या होना चाहिए, जीरो, इसके लिए थीटा क्या होना चाहिए, 180 डिग्री, ठीक है। और चौथा, अगर ये आपसे पूछा जाए कि
कम से कम कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जिससे कि रिजल्टेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाए, क्या बोलोगे? कम से कम कितने वेक्टर्स की जरूरत पड़ेगी जिसका रिजल्ट जीरो हो जाए? हाँ, तो और वो दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए, तभी ना कैंसिल करके जीरो होगा। नहीं समझा? ठीक है, ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूं। एट लीस्ट टू वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द रिजल्टेंट जीरो, समझ गए? और वो दोनों कैसे होने चाहिए? इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, तब जाकर के क्या होगा, वो जीरो होगा। समझ गए? अब अगर मैं बोलता हूं कि कितने अनइक्वल वेक्टर्स एटलीस्ट कितने होने चाहिए जिसका कि वेक्टर सम जीरो आए, बोलो, सोचो, दिमाग लगाओ। हाउ मेनी अनइक्वल वेक्टर्स आर एटलीस्ट नीडेड टू मेक द रिजल्टेंट जीरो, बोलो। बोलो, हाँ, वेरी गुड, थ्री। समझा क्या? कितने? कम से कम तीन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अनइक्वल हुआ तो बेटा दो मिलकर के जीरो नहीं कर सकता। अगर पांच और सात है तो मिनिमम भी उसका कितना होगा? दो होगा। मैक्सिमम कितना होगा? बारह होगा। तो देखो, उसका जीरो नहीं हो सकता कभी। समझा कि नहीं? तो फिर कितने चाहिए? तीन चाहिए। क्वेश्चन ध्यान से सुन रहे हो? पहला क्या बोलेगा कि कितने एटलीस्ट वेक्टर चाहिए टू मेक द रिजल्टेंट जीरो, तो दो में भी संभव है। अगर वो केस भी है, उस केस लगाना पड़ेगा उसमें कि वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल मैग्नीट्यूड के होने चाहिए और अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, ठीक है। और अगर ऐसा बोला कि स्पेसिफाई कर दिया कि अनइक्वल वेक्टर है, तो फिर वो केस तो अपन मान नहीं सकते कि दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तब दो मिलकर के भी जीरो नहीं कर पाएंगे, तब एटलीस्ट कितने चाहिए होंगे? तीन चाहिए होंगे। दोनों में क्वेश्चन एक ही जैसा है कि हाउ मेनी एटलीस्ट वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड टू मेक द रिजल्टेंट जीरो, लेकिन एक में क्या कंडीशन लगा हुआ है कि अनइक्वल लगाया हुआ है। तो अगर अनइक्वल बोला तो फिर तीन चाहिए, और अगर ऐसा नहीं बोला है तो दो में भी काम चलेगा, ठीक है। तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली एंड देन आंसर, ठीक है। तो भैया कैसे तीन कैसे इक्वल हो गए सर, मतलब जीरो कैसे हो गए तीन मिल करके? तो मान लो, ये मान लो बेटा वेक्टर ए है, ये मान लो वेक्टर बी है, और ये मान लो वेक्टर सी है। अगर ऐसा है ए बी और सी, ठीक है, तो इनका रिजल्टेंट कितना होगा? तो जैसा कि देख पा रहे हो आप कि ये वेक्टर सी और ए और बी, हमको ए और बी को जोड़ना आता है ना बेटा, ए और बी को जोड़ूंगा तो क्या होगा, ये होगा वेक्टर ए प्लस बी, है ना बेटे। अब यहां से एक चीज आपको दिख रहा है कि वेक्टर ए प्लस बी ऊपर की तरफ है और वेक्टर सी क्या है, नीचे की तरफ है। जब ऐसा होता है बेटा, मैग्नीट्यूड दोनों की लंबाई तो बराबर है ना, मैग्नीट्यूड बराबर हुआ और डायरेक्शन क्या हुआ, उल्टा हुआ। तो ये दोनों जो वेक्टर हैं वो क्या है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन है। आपको क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, करना है ना। तो जिसमें से आपने क्या दिखा, ए प्लस बी और सी क्या है, इक्वल एंड अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएगा ना, हुआ ना जीरो। तो कुछ भी मैग्नीट्यूड रहे, ए का, बी का, सी का, कुछ भी रहे, है ना, ऑलवेज क्या करेंगे, वो जीरो देंगे। लेकिन कंडीशन क्या है, तीनों, देखो हमने क्या किया था बेटा, तीनों को हमने सेम ऑर्डर में डाल दिया। तो कभी भी कितने भी वेक्टर हो, सेम ऑर्डर में क्लोज लूप फॉर्म कर रहे हो, ये देखो, है ना, तो हमेशा उनका वेक्टर सम क्या होगा बेटा, जीरो होगा, ओके, ठीक है। ये जो दो बातें हमने लिखाई बोली, उसको अपने अपने शब्दों में लिख लो, ठीक है। अपने अपने शब्दों में मतलब समझते हो ना, मराठी में नहीं, अपने तरीके से,
written. कहानी बेटा वेक्टर एडिशन की, है ना। अब हम बात करेंगे वेक्टर सब्ट्रैक्शन की। चलो लिखते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। वेक्टर सब्ट्रैक्शन तो जैसा हमने वेक्टर एडिशन के लिए एक अलग प्रकार का नियम पढ़ा हमने, है ना, एक अलग प्रकार का लॉ पढ़ा, पूरी तरीके से डिफरेंट तरीका था जैसा हम लोग बाकी चीजों को ऐड करते थे, उससे वेक्टर को ऐड करने का तरीका क्या है, काफी डिफरेंट है। तो क्या सब्ट्रैक्शन का भी डिफरेंट है? यस, ऑब्वियसली सब्ट्रैक्शन का भी डिफरेंट है, बट इट इज सिमिलर टू एडिशन, वेक्टर एडिशन। यहाँ पर वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के लिए कोई अलग से रूल नहीं है, यहाँ पर भी हम लोग वेक्टर का एडिशन ही यूज करते हैं। वो कैसे यूज होगा सर, एडिशन में सब्ट्रैक्शन में एडिशन कैसे? तो ये देखो, आप में से कितने बच्चों को नेगेटिव वेक्टर याद है? नेगेटिव वेक्टर याद है आपको? बोलो, नेगेटिव वेक्टर समझते हो? नहीं? हाँ, क्या होता है, है ना, ये मान लो ऐसा खड़ा है तो ये पॉजिटिव वेक्टर हुआ, उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। समझ गए, ये साइज में ना तो छोटा हुआ ना तो बड़ा हुआ, मैग्नीट्यूड कॉन्स्टेंट रहा, मुंडी पहले ऊपर थी अभी नीचे हो गई, नहीं समझा? ठीक है, तो ऐसा जब हम करते हैं तो उसको कहते हैं नेगेटिव वेक्टर। अंडरस्टूड? ठीक है, तो मान लो बच्चे अभी अभी ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर बी था, ठीक है, इसके बीच का एंगल थीटा था। तो जब हम इन दो वेक्टर्स को ऐड करते थे तो क्या होता था, ए प्लस बी आता था, आता था कि नहीं? लेकिन अभी हमें क्या करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करना है। ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, वेक्टर ए प्लस माइनस ऑफ वेक्टर बी, चलेगा? ये भी एक वेक्टर है कि नहीं, ये भी एक वेक्टर है। तो मैं ये कह सकता हूं ना, ये हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं वेक्टर ए को नेगेटिव वेक्टर ऑफ बी के साथ। समझ आ रहा है? तो ये जो वेक्टर है वो क्या है, ये जो वेक्टर है वो क्या है, पॉजिटिव वेक्टर है, उसको क्या करना है, नेगेटिव करना है। क्या करना पड़ेगा बोलो बेटे, पलट देना पड़ेगा, है ना, इसको इधर पलट देंगे, ये क्या हो गया बेटा, माइनस ऑफ वेक्टर बी हो गया, नहीं समझा? अभी हमें किसको ऐड करना पड़ेगा, इसको इसको करूंगा तो क्या मिलेगा, a प्लस बी मिलेगा, और इसको इसको करूंगा तो क्या मिलेगा, a माइनस बी मिलेगा। तो कर तो एडिशन ही रहे हैं ना, रूल तो वही लगाने पड़ेंगे ना। क्या रूल था बेटा, है पैरेललोग्राम कंप्लीट, कर दिया कंप्लीट, ये जो आएगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। किसका किसका रिजल्टेंट हुआ, a का और माइनस ऑफ b का, तो हुआ ना a माइनस b। क्या अलग से मुझे इसके लिए रूल लगाने की जरूरत है? नहीं, हमको बस क्या सोचना है कि हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो भैया इन दोनों को ऐड करना है तो आपके लिए ये दोनों वेक्टर हुए, और जब आप ऐड करते हो तो कौन सा एंगल यूज करते हो, उन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल यूज करते हो। इधर आपने थीटा लिया था बेटा, तो इधर क्या आया, 180 माइनस थीटा, नहीं समझा, अच्छे से समझा? तो बेटे आर बराबर वही फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना, स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, लेकिन इस बार थीटा कौन सा लूंगा, ए और माइनस बी के बीच का थीटा लूंगा, जो कि कितना है, 180 माइनस थीटा है। कौन बताएगा क्या आया, बोलो बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस इसका क्या होगा, सॉरी कॉस भी है, कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा, तो ये हो गया माइनस टू ए बी कॉस थीटा, माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो a माइनस बी का फॉर्मूला, a माइनस बी का मॉड,
वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड कितना आया बेटे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेंस टू ए बी कॉस थीटा। प्लस के लिए प्लस था, माइनस के लिए माइनस हो गया, समझा, बस सिंपल, अंडरस्टूड। डायरेक्शन के लिए क्या करेंगे बेटे, डायरेक्शन के लिए टेन फाइव बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा होता था ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस बी कॉस थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉस 180 माइनस थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा होता है। तो यहाँ से आपको डायरेक्शन मिल जाएगा, यहाँ से मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, काम खत्म। आ गया समझ में, ओके। राइट वन एग्जाम्पल, इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी, मतलब मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है, देन फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच का एंगल बताइए कितनी अली, कितना आया, किसका आया, बैगनी आया क्या तुम्हारा, नहीं है बैगनी, आदित्य जल्दी बोलो, मॉड मतलब क्या होता है बेटा, इसका क्या मतलब हुआ, इनका रिजल्टेंट और इनका रिजल्टेंट आपस में क्या है, बराबर है, तो बताओ क्या आया,
इतना क्यों टाइम लग रहा है? वन आया, एंगल वन आया, एंगल वन आया, वन एट्टी डिग्री, गजब राडेज कर दी। सी देखो कितना आपको ना अपने ऊपर इतना हंसी आएगा, अभी देखना लोट पोट के हंसोगे तुम लोग। मॉड ऑफ ए प्लस बी क्या हो गया बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा का रूट अंडर, यही तो होता है मैग्नीट्यूड, इक्वल टू इसका कितना हो गया, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। क्या दिक्कत है, ये दोनों दिया हुआ है आपस में बराबर है, है? दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे रूट गायब हो जाएगा, बचा क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ये खत्म हो गया, कितना बचा बेटा, फोर ए बी कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, हमको तो थीटा चाहिए बाकी सब जीरो, तो थीटा बराबर कितना, कितना आसान है ये, हंसी नहीं आई आपको अपने ऊपर, आया है शर्म आया थोड़ा सा? नहीं, जहाँ शर्माने बोलूंगा वहां नहीं शर्माओगे, जहां नहीं शर्माने बोलूंगा वहां भर भर के शर्माओगे, थैला भर भर के। अरे इडियट, क्या ही होगा तुम लोगों का। चलो आगे बढ़ूं, अगर मान लो नहीं, ठीक है आगे बात समझ में, तो भाई हमारा एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ, कितना टाइम बचा है हो जाएगा। अब हम लोग क्या देखेंगे, प्रोडक्ट के तरीके, एडिशन के तरीके देख लिए, सब्ट्रैक्शन के तरीके देख लिए, अब हमें क्या सीखना है, प्रोडक्ट के तरीके देखने हैं, ठीक है। चलो तो याद करो मैंने आपको एक चीज बताई थी कल के दिन में कि अगर हमने किसी वेक्टर को स्केलर से प्रोडक्ट किया तो फिर क्या होगा, ऑलवेज वेक्टर होगा, लेकिन जब हम दो वेक्टर वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका तरीका अलग होगा, है ना, दो दो चीजें हो सकती है, ठीक है। प्रोडक्ट कर रहे हैं अभी, इसमें दोनों के दोनों वेक्टर हैं, दोनों वेक्टर का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इसमें दो टाइप के होते हैं, एक को कहते हैं बेटा डॉट प्रोडक्ट। क्यों डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि अगर मान लो एक वेक्टर ए है दूसरा वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल थीटा है, तो डॉट प्रोडक्ट का सिंबल होता है ए डॉट बी, इसलिए डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। और इसका डेफिनेशन होता है बेटा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, जिसमें ए क्या है बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, बी क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और थीटा क्या है उनके बीच का एंगल है। यहाँ पर ये जो पूरा टर्म कैलकुलेट करके आएगा उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं रहेगा, तो डायरेक्शन नहीं है तो विदाउट डायरेक्शन क्या होता है, स्केलर होता है, मीन्स इसका जो रिजल्ट आएगा वो मुझे क्या मिलेगा, स्केलर मिलेगा, इसलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो है क्रॉस प्रोडक्ट। क्यों क्रॉस प्रोडक्ट, क्योंकि इस पे ए और बी का जो प्रोडक्ट करेंगे उसका सिंबल क्या होगा, क्रॉस होगा। इसका डेफिनेशन क्या होता है बेटा, ए बी साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन, ये वाला जो पार्ट है वो उसका मैग्नीट्यूड है और ये वाला जो पार्ट है उसका डायरेक्शन है। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो ये जो रिजल्ट आएगा वो एक वेक्टर होगा, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो उसका जो रिजल्ट आता है वो स्केलर होता है, इसका जो रिजल्ट होता है वो वेक्टर होता है, समझ गए क्या। तो एक एक करके बात करें हम लोग,
पहले डॉट प्रोडक्ट के बारे में एंड देन क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में. ओके तो सब जो बेटा डॉट प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, तो अभी अभी हमने डेफिनेशन देख लिया बेटा, ए डॉट बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, है ना बेटे. तो बहुत ही आसान है, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने बोला कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड 4 है, दूसरे का 3 है और उसके बीच का एंगल थीटा 60 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा बेटा ए डॉट बी, जल्दी बोलो, 4 3 और कॉस 60 कितना होता है 1/2, 6 हो गया हमारा आंसर. अच्छे से समझा. अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रॉपर्टीज लिखेंगे. प्रॉपर्टीज, बहुत गर्मी लग रहा है यार, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट. पहला, इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ. सुना है नाम, अभी अभी सुना था सर. इट फॉलोज कम्यूटेटिव लॉ क्या मतलब हुआ इसका, चाहे मैं ए डॉट बी करूं चाहे मैं बी डॉट ए करूं, ठीक है, मेरी मर्जी, है ना, चाहे मैं ये करूं चाहे मैं वो करूं, मेरी मर्जी, कुछ दिक्कत नहीं. समझा क्या, ए डॉट बी करो चाहे बी डॉट ए करो, रिजल्ट क्या मिलेगा, सेम मिलेगा. ओके. दूसरा, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये सुना है क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं सुना ना, बहुत अच्छी बात है. हाँ गजब, ये तो बहुत ही अच्छी बात है. ए डॉट बी प्लस सी, कितनी खुशी हुई मेरे को, तुमको बता नहीं सकता. जिस दिन मेरी शादी हुई थी ना, जब मेरी शादी हुई थी तब उतनी खुशी नहीं हुई थी जितना मुझे आज हुई. ठीक, ए डॉट बी प्लस, सॉरी, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, है ना, इट फॉलोज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. ठीक है, ऐसा कर सकते हैं अपन. तीसरा, इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो जाए तो थीटा कितना बेटा, 90. तो बताओ डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ए डॉट बी, ए बी कॉस 90, कॉस 90 कितना, तो कितना, क्या समझा, क्या समझा बेटा, अरे जल्दी बोलो, ए चाहे कुछ भी हो, बी चाहे कितना भी हो, अगर उनके बीच का एंगल 90 डिग्री है तो हमेशा 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 उसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 ही होगा. कोई मैटर नहीं करता कि ए का मैग्नीट्यूड क्या था, बी का मैग्नीट्यूड क्या था. समझा क्या, तो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है हमेशा 0 होगा, ये हमें यहाँ से समझ में आया. नहीं समझा, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर ऑलवेज 0, लिख लो इसके लगे में, इसके साथ में नोट करके लिख लेना, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स आर ऑलवेज 0, ऑलवेज 0. इस चीज को हम लोग चेक करने के लिए, क्या चेक करने के लिए, परपेंडिकुलरिटी चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं. अगर डॉट प्रोडक्ट 0 आया, इट प्रूव्स कि बोथ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर 0 नहीं आया तो इट प्रूव्स कि वो परपेंडिकुलर नहीं है. समझ गए क्या, अच्छे से समझा बेटे. तो इस बेसिस पर मुझे ये बताओ कि i डॉट j कितना होगा, i डॉट j कितना होगा, होगा कि नहीं, क्योंकि i क्या होता है x एक्सिस, j क्या होता है y एक्सिस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर, डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या मिलेगा, 0. सिमिलरली j डॉट k, सिमिलरली k डॉट i, वाह 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 वाह, वन आया किसी का है, मतलब मन करता है कि नहीं बदलना ही चाहिए, क्या बार बार एक ही चीज क्या,
ऐसा हो जाता है बार बार क्या एक ही चीज बोले, थोड़ा थोड़ा वैरी कर लेते हैं, ऐसा मन करता है क्या तुम लोगों का? थक गए एक ही बार बार जीरो जीरो, क्या है जीरो जीरो, वन कर देते एक बार, क्या ही जाएगा। अरे महान हो तुम लोग, चरण कहाँ है तुम्हारे। चलो समझाना इतनी चीजें, चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी, अगर मान लो ए और बी पैरेलल हो जाए, इफ ए पैरेलल टू बी देन थीटा कितना बेटा, जीरो। बोलो कितना हो जाएगा ए डॉट बी, ए बी कॉस जीरो, कितना जल्दी बोलो, ए बी हो जाएगा। हाँ कॉस जीरो क्या होता है, वन होता है ना, इतना क्या सोचना इसमें है, समझा क्या नहीं। ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या हो गया बेटे, ए इंटू बी हो गया, समझा। ओके तो बेटे पांचवा, अगर मैंने ए और ए को डॉट करा दिया, सिमिलर वेक्टर को डॉट करा दिया, तो थीटा कितना बताओ इस केस में, थीटा कितना, थीटा कितना पूछ रहा हूं, तो वन बोलती है, वन डिग्री है, ये कौन सा बात हुआ, जीरो हुआ ना, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर एक ही दे हुआ ना, एक ही डायरेक्शन हुए ना दोनों, तो थीटा क्या हुआ जीरो, कॉस जीरो कितना वन, तो कितना हुआ ए इंटू ए, अरे नहीं समझा कि नहीं, क्या हो गया ए स्क्वायर हो गया, अच्छे से समझा। तो इस बेसिस पर मुझे ये बताओ कि आई डॉट आई कितना, हा 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 यही उम्मीद थी तुमसे बैगनी कहीं की है, आई डॉट आई, अरे वन ना, आई का मैग्नीट्यूड क्या है वन ना, आई तो डायरेक्शन है बाबा, समझा कि नहीं। आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या चीज है, आई का मैग्नीट्यूड लेंगे ना, एक वेक्टर आई हुआ दूसरा वेक्टर आई हुआ, उन दोनों का क्या लेते हैं मैग्नीट्यूड ना, तो वन वन ना, वन इंटू वन इंटू कॉस जीरो, तो ये भी क्या हुआ वन, तो क्या आया तीन, समझा कि नहीं, कितना आ गया। तो आई डॉट आई क्या होगा बेटा वन, जे डॉट जे, जे स्क्वायर, के डॉट के, समझा क्या। हाँ तो बेटे क्या देखा हमने, सिमिलर को करेंगे तो क्या मिलेगा वन मिलेगा, और डिससिमिलर को करेंगे तो क्या मिलेगा जीरो मिलेगा, आ गई इतनी बात समझ में, अच्छे से समझा, बहुत बढ़िया। अब देखो मजा, अरे यार कोल्हू का बैल हो गए हम लोग, कोल्हू समझते हो, कोल्हू का बैल तुम लोगों ने नहीं देखा होगा कभी, है ना, तुम लोगों ने जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर गए, इतना लेट पैदा हुए तुम लोग चलो अब देखो, मान लो बेटा मैंने बोला कि वेक्टर ए है 2i प्लस 4j प्लस 6k, ठीक है, और वेक्टर बी है 3i प्लस 2j प्लस 3k, ऐसा मैंने बोला, इसका डॉट प्रोडक्ट करो। तो जैसा कि आपको पता है, जब आप किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हो तो क्या करते हो, इसका इससे, 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 करते हैं कि नहीं, नहीं करते हैं। अरे नॉर्मली जब मल्टीप्लाई करते हो किसी चीज को तो ऐसे ही करोगे ना, तो बेटे जब इसका इसका करोगे तो आई डॉट आई क्या होगा वन होगा, लेकिन आई डॉट जे जीरो हो जाएगा, आई डॉट के जीरो हो जाएगा, ठीक। सिमिलरली इसका इसका करोगे जीरो हो जाएगा, इसके इसके साथ मिलेगा और इसके इसके साथ नहीं मिलेगा, इसका इसके साथ नहीं मिलेगा, इसका इसके साथ नहीं मिलेगा, इसका इसके साथ मिलेगा, तो कुल मिलाकर के क्या हो रहा है, सिर्फ i वाला i के साथ दे रहा है, j वाला j के साथ दे रहा है, k वाला k के साथ दे रहा है ना, तो बहुत ही सिंपल हो जाता है ना बेटे, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, इसको इससे करना है, टू थ्री जा सिक्स, फोर टू जा एट, सिक्स थ्री जा एटी, तो मतलब i वाले को i के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। बहुत लोग मजे से आई स्क्वायर भी लगाते हैं इधर, जे स्क्वायर भी लगाते हैं, के स्क्वायर भी लगाते हैं, कुछ लोग इसको आई लिखते हैं, जे लिखते हैं, के लिखते हैं, ऐसा नहीं करना है, सिर्फ मैग्नीट्यूड आता है। ओके तो कितना हो गया बेटा, 18 8 26 6 32 32। तो देखो इसमें क्या आया, ओनली मैग्नीट्यूड आया, नो डायरेक्शन, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये एक
स्केलर क्वांटिटी है, समझा क्या? इसका जो रिजल्ट होगा वो एक स्केलर होगा। अच्छे से समझा? डॉट प्रोडक्ट कैसे कैसे करते बेटा, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ, के का के साथ, ओनली कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है, ओनली कॉफिशियंट को मल्टीप्लाई करना है, बाकी कुछ नहीं। ठीक, करेंगे हम लोग, चलो फटाफट बोलना, एकदम मजाक है ये वेक्टर ए, चलो मजाक करते हैं। माइनस आई प्लस फोर जे प्लस थ्री के, वेक्टर बी थ्री आई टू जे सिक्स के, जल्दी बोलो, अरे पहले बोल देना, जल्दी बोलो। माइनस वन इंटू थ्री माइनस थ्री, चार और दो आठ है ना, तीन और छः अट्ठारह है ना, अट्ठारह आठ छब्बीस माइनस तीन तेईस, समझ गए कि नहीं? बहुत आसान है ये, अच्छे से समझा बेटा? ओके ओके, नाउ व्हाट, अगर मान लो, ध्यान से सुनना, एग्जांपल, वेक्टर ए इक्वल्स टू फोर आई प्लस टू जे माइनस सिक्स के, वेक्टर बी इक्वल्स टू थ्री आई प्लस फोर जे प्लस टू एक्स के कैप, ठीक है, प्लस टू एक्स के कैप, इफ वेक्टर ए आर परपेंडिकुलर, वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन फाइंड एक्स। चलो लवकर लवकर कर, जल्दी बोलो, अरे अभी तक आ जाना चाहिए ना, नहीं आया, आदित्य कितना आया? यश ए आया, एट आया, क्या करी गुड़िया बताओ, क्या करी, क्या किया, क्या जीरो, क्या जीरो, बोलो बोलो, तुम अपना बोलो, क्या नहीं समझा, नहीं क्लिक किया? अरे बाबा हमको तो पहले से पता है कि डॉट प्रोडक्ट है और परपेंडिकुलर है, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आना है, जीरो आना है ना, ठीक है, तो यहाँ से डॉट प्रोडक्ट करेंगे, कितना आया, चार या बारह, चार दूनी आठ और माइनस बारह एक्स, इसको मिला करके क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, तो बारह आठ बीस बराबर बारह एक्स, चार पंचे बीस, चार या बारह एक्स बराबर फाइव बाई थ्री, नहीं समझा? हाँ, डॉट परपेंडिकुलर अभी बताया ना मैंने, लिखा है ना नोट करके, परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, जीरो होगा, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट करा और इक्वल टू जीरो कर दिया, समझा कि नहीं? समझ गए? तो बेटा एक तो ये अननोन निकालने में यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं बहुत। दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट यूज है, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है, इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन डॉट प्रोडक्ट का, वो है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने में। कैसे? तो चूंकि हमने पढ़ा है बेटा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो देयर फोर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बेटा, ए डॉट बी अपॉन ए बी हो जाएगा, यहाँ से आपको थीटा मिल जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ये ए है और ये बी है, मैंने ले लिया इसको, ये टू ले लिया, ठीक है, ऐसा मान लो, इसके बीच का हमें क्या करना है बेटे, एंगल निकालना है, क्या करोगे, क्या करोगे बताओ, डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, देखो चार तिया बारह है प्लस चार दूनी आठ और माइनस बारह, ये ए डॉट बी हो गया, और ए का मतलब क्या हुआ बेटा, इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हो, चार चौकी सोलह, दो दूनी चार और छत्तीस, छत्तीस और चार चालीस और सोलह छप्पन, रूट फिफ्टी सिक्स ए हो गया, और बी का मैग्नीट्यूड कितना हो गया बेटा, स्क्वायर रूट तीन तीन नौ, चार चौक सोलह और दो दूनी चार, सोलह चार बीस नौ उनतीस, रूट ट्वेंटी नाइन है ना, बारह आठ बी सॉरी बारह बारह चला गया, एट अपॉन रूट फिफ्टी सिक्स इंटू ट्वेंटी नाइन, सिंप्लीफाई करोगे देखो थीटा आ जाएगा, समझा कि नहीं? तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने में इसका
बहुत यूज होता है, समझा? क्वेश्चंस करके आओगे बेटे ईमानदारी से? पक्का ना? भरोसा कर लूं? चलो देखते हैं। थैंक यू क्लास।